अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इस क्वेश्चन में। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिया है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, डायमेंशन मतलब क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन को आपको पहले तो एक एक सेंटेंस में डिवाइड करके देखना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, मैंने मतलब पहले इसका एरिया कुछ तो था, उसके बाद ये एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हुआ है। ठीक है, ऐसे ही नहीं होगा 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस, उसमें चेंज आएगा उसके लेंथ में भी और उसके ब्रेड्थ में भी। इसीलिए पहले हम ओरिजिनल एरिया निकाल देंगे। उसके लिए लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स मीटर नहीं है यूनिट्स है ना, ब्रेड्थ वाई यूनिट्स, उसके बाद एरिया, तो फिर एरिया कितना आएगा एक्स इंटू वाई। ठीक है, अब क्या हुआ है, एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट से कम हो गया है, राइट। न्यू एरिया, पहले एक्स वाई था उसमें से 9 कैंसिल कट हो गया। बट कैसे, इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, पहले लेंथ कितनी थी है ना, लेंथ कितनी थी एक्स, अभी 5 यूनिट्स कम हो गए। और एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ क्या हुई है इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, पहले वाई थी अब वाई प्लस 3 हो गई, मतलब लेंथ 5 यूनिट से कम हो गई, ब्रेड्थ 3 यूनिट से बढ़ गई, तो आपका एरिया जो है वो 9 से कम हो गया। तो ये आएगा आपका एक इक्वेशन। ठीक है, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन माइनस 5 से वाई प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ये आएगा एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। ठीक है, ये देखो ये एक्स वाई कैंसिल, सो 3x माइनस 5y ये माइनस 9 माइनस 15 RHS में जाएगा प्लस 15, तो ये आएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 15 माइनस 9। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या दिया, इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट्स, पहले लेंथ थी एक्स अब 3 यूनिट से इंक्रीज कर दी, और ब्रेड्थ भी इंक्रीज की है बाय 2 यूनिट्स, तो एरिया तो एक्स वाई नहीं रहेगा, कुछ तो चेंज आएगा, एरिया इंक्रीजेस बाय 67, पहले एक्स वाई था अब हो जाएगा एक्स वाई प्लस 67, और यही है आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को हम नीचे लेकर जाते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई करके इक्वेशन निकालेंगे सेकेंड, एक्स से मल्टीप्लाई करो वाई प्लस 2 को, 3 से मल्टीप्लाई करो वाई प्लस 2 को,
एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई 2x 3y 6 एक्स वाई प्लस 67। ये देखो एक्स वाई कैंसिल, आंसर क्या आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6। ये आएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। मिल गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हम साइड में लिख लेंगे। अब क्या करोगे, यहां तो एडिशन ही करना पड़ेगा, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 122। अगेन 9x माइनस, ओ ये देखो हाँ यहाँ पर 2 से नहीं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 आने के लिए। क्या आएगा 10x प्लस 15y इक्वल टू 305, राइट। ये आएगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 18। ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, ये आएगा 19x इज इक्वल टू 323। मतलब x की वैल्यू हमें मिल गई 323/19। तो अगर आप 19 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी 17, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, पुट इन 1, 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल टू 6। ये 51 को RHS लेकर माइनस 51 हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू, ये देखो माइनस सब्ट्रैक्शन है, इसका आंसर आएगा 45। माइनस ये कैंसिल हो गया, सो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 45/5। y इज इक्वल टू 9, मतलब x इज इक्वल टू 17, y इक्वल टू 9। चलो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.6। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया है, ये जो आपको नीचे दिए गए इक्वेशंस है उनको पहले आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और बाद में उसको सॉल्व करना है, किसी भी मेथड से कर सकते हो, राइट। तो चलो यहाँ अगर देखोगे तो डिनोमिनेटर में x है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में y है, तो बेसिकली करना क्या है कि 1/x को दूसरा कोई तो वेरिएबल आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और डीप में लिखूंगी तो कुछ इस तरह से कैसे दिखेगा, 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y, राइट इक्वल टू 2। समझ में आया, बस मैंने इनको सेपरेट किया है, बाकी कुछ नहीं है, ये यही फॉर्म है। तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां 1/x है मैं वहां पर u सब्स्टिट्यूट करूंगी और 1/y के लिए भी सब्स्टिट्यूट करूंगी, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर इसका, देखते ये देखो 1/2 एज इट इज रहेगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और 1/x जहां था वहां आएगा u प्लस 1/3 इंटू v इक्वल टू 2, यहां भी सेम
वन बाय थ्री यू प्लस वन बाय टू वाई इक्वल टू 13/6, राइट है। अभी इसको क्या करना है, अच्छे से लिख लेते हैं, u बाई टू प्लस वी बाई थ्री इक्वल्स टू 2/1। यहाँ तो आपको मालूम है आगे क्या करना है, आगे क्या करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 3u प्लस 2v अपॉन 6 इक्वल टू 2। इसको क्या करोगे अभी, 3u प्लस 2v ये जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 12, ठीक है। मतलब ये आपका आ गया फाइनल इक्वेशन नंबर 1, जो कि है u एंड v के फॉर्म में। ये मत भूलना हमें वैल्यू x एंड y की निकालनी है, u एंड v की नहीं, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, u बाई थ्री वी बाई टू इक्वल टू 13/6 क्रॉस मल्टीप्लाई 2u प्लस 3v अपॉन 6 इक्वल टू 13/6, ये हो गया कैंसिल, आंसर आया 2u प्लस 3v इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2, राइट है। चलो यहाँ पर लिखेंगे 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। क्या करोगे अभी, सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा। चलो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, ये सेम आ जाएगा कोएफिशिएंट 6, तो ये आएगा 6u प्लस 4v इक्वल टू 24, 6u प्लस 9v इज इक्वल टू 39। सब्ट्रैक करना है, ये दोनों हो गए कैंसिल, 4 माइनस 9 आएगा माइनस 5v इक्वल टू, ये भी 24 माइनस 39, ये 39 माइनस 24, ये आएगा माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, वी इक्वल टू माइनस सॉरी 15/5 मतलब 3। वी की वैल्यू हमें मिल गई 3, ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो, पुट इन 1, 3u प्लस 2v मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 12, 3u इज इक्वल टू 12, ये 6 है, यहाँ पर जाकर माइनस 6, 3u इक्वल टू 6 मतलब u इज इक्वल टू 6/3, 2 आएगा, ठीक है। सो u इक्वल टू 2, हमें जो वैल्यूज मिली है वो मिली है u एंड v की मिली है 3, u की मिली है 2, लेकिन हम इस वैल्यू का यूज करके x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें क्या देखा, 1/x इज इक्वल टू u सब्स्टिट्यूट किया है, राइट, मतलब x की वैल्यू क्या आएगी, u का रेसिप्रोकल आएगा, सिंपल है ना। सो x इज इक्वल टू कितना आया है, जो आपकी u की वैल्यू आई है, आगे के प्रॉब्लम के लिए याद रखो इसका रेसिप्रोकल हो गया। सो y इज इक्वल टू भी v का रेसिप्रोकल, मतलब ये हमें मिल गई x एंड y की वैल्यूज। ओके, अभी देखो सेकेंड वाला इक्वेशन, यहाँ क्या दिया है, 1/√x मतलब रूट x के फॉर्म में है, वो भी डिनोमिनेटर में, कोई बात नहीं। यहाँ आप 1/√x को u सब्स्टिट्यूट करो और 1/√y को v, बाकी कुछ नहीं। चलो देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू 1/√x होता है, राइट, 2/√x को क्या लिखोगे, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, अगेन 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1, हो गया। यह है इक्वेशन 1, यह है इक्वेशन 2। चलो यहाँ लिखो अभी 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1, क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 आ जाएगा यहाँ, 6u प्लस 9v इक्वल टू 6, 4u माइनस 9v इक्वल टू माइनस 1। अगर ऐड किया तो 9 कैंसिल, 10u इज इक्वल टू 5, मतलब u इज इक्वल टू 5/10, 1/2। u की वैल्यू कितनी आ गई,
हाफ, ठीक है। ये यू की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में डालो, है ना। इक्वेशन नंबर सिंपल वाला कौन सा है, इक्वेशन नंबर 1, राइट। 2 × u इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, है ना। वो 2 टू कैंसिल, 3v इक्वल टू 2, ये देखो प्लस 1 है माइनस 1 हो जाएगा, सो 3v इज इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1/3, बहुत सिंपल है, हो गया। अभी बस सब्सटीट्यूट करो, क्या सब्सटीट्यूट किया था हमने, 1/√x इक्वल टू u, लेकिन हमें वैल्यू रूट एक्स की नहीं निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जरा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो रूट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1/u आएगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड को, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, और यहाँ आएगा 1/u² राइट है, यही आएगा वाई इक्वल टू 1/v² सेम, ओके। सो एक्स इज इक्वल टू 1/u, कितना आया था, हाफ 1/2 का स्क्वायर, सो एक्स इज इक्वल टू 1/1/4, और ये हमें मालूम है ये ऐसे ऊपर जाएगा, सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। उसी तरीके से वाई इज इक्वल टू 1/1/3 का स्क्वायर, 1/1/9, 9 चला जाएगा ऊपर, तो ये आएगा 9, मतलब एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 9। चलो अभी थर्ड वाला एग्जाम्पल देखेंगे, हाँ ये तो अजीब ही दिख रहा है, क्या है, यहाँ 1/x है, मतलब कोएफिशिएंट को छोड़ दो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ y है, तो ऐसा कोई मजबूरी नहीं है कि u के साथ v आए ही, मतलब 1/x हो तो 1/y हो ही, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ 1/x है वहाँ u सब्स्टिट्यूट करो, राइट। मतलब यहाँ बस एक ही सब्स्टिट्यूशन करना है, y की जगह पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो न्यूमरेटर में ही है y, x डिनोमिनेटर में है, इसीलिए हमें u पुट करना पड़ेगा। चलो तो ये किस तरीके से आएगा, 4u 3y इज इक्वल टू 14, उसी तरीके से 3u माइनस 4y इक्वल टू 23, राइट। ये तो बहुत सिंपल है, चलो करना तो पड़ेगा एडिशन ही, कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से और यहाँ 4 से, क्या आएगा, 16u प्लस 12y इक्वल टू 56, 9u माइनस 12y इक्वल टू ये 9 69, ये हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ आएगा 25u इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, 7 प्लस 5 12, सो यू इज इक्वल टू आ गया 125/25, और 25 5 125, सो यू की वैल्यू हमें मिल गई 5। ये वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन में यू इज इक्वल टू 5 आया है आंसर, सो 4 × u, राइट, 3y इक्वल टू 14, 20 + 3y इक्वल टू 14, सो 3y इज इक्वल टू 14 − 20, सो y 3y इक्वल टू -6, सो y इक्वल टू आएगा -6/3, मतलब -2, ये देखो y की वैल्यू आ गई -2 और u की वैल्यू आ गई है 5, लेकिन हमें u की वैल्यू नहीं निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू क्या है, 1/u है, सो x इज इक्वल टू आएगा 1/5 और y इक्वल टू -2,
अभी ये वाला इक्वेशन, कौन सा वाला? इक्वेशन नंबर 4। ये देखो इक्वेशन नंबर 4, अब ये तो और भी अजीब है, राइट? कोई बात नहीं है, देखो 1/x भी नहीं है, 1/√x भी नहीं है, लेकिन क्या है, 1/(x-1) है, 1/(y-2) है। तो हमें क्या करना है, जो भी दिखाई दे रहा है अजीब सा उसको बस सब्स्टिट्यूट करना है, वो भी डिनोमिनेटर में है, इसीलिए कोई बात नहीं, 1/(x-1) को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1u से। उसी तरीके से 1/(y-2) इज इक्वल टू वी, बस सॉल्व करते जाओ, कुछ नहीं। ये क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन 5u प्लस 1v इक्वल टू 2, ये आएगा 6u-3v इक्वल टू 1। क्या करोगे, कुछ नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, कैसे दिखाई देगा, 15u प्लस 3v इक्वल टू 6, 6u-3v इक्वल टू 1। ये देखो ये हो गया कैंसिल, और ये आ गया 21u इज इक्वल टू 7, u इक्वल टू 7/21, 1/3 आ गया। ये वैल्यू अभी इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, u इक्वल टू 1/3, पुट इन 1, 5 × 1/3 प्लस वी इक्वल टू 2, 5/3 प्लस वी इक्वल टू 2, वी इक्वल टू 2 − 5/3, राइट है ना? सो वी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 6 − 5/3, अगेन वी इक्वल टू भी आ गया आपका 1/3 ही, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आ गई, लेकिन हमें निकाल दी है एक्स की वैल्यू, है ना? तो हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/(x-y) x-1 इक्वल टू यू, मतलब 1/3, ठीक है। उसी तरीके से 1/(y-2) इक्वल टू वी, वी मतलब 1/3। अब इसको सॉल्व करना, बस कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 = x-1, -1 को LHS में भेज दोगे तो ये हो जाएगा +1, सो x इक्वल टू आएगा 4, यहाँ पर भी 3 = y-2, -2 LHS में आकर हो जाएगा +2, सो y इक्वल टू आएगा 5। मिल गया हमें हमारा आंसर,